हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठंडे ठंडे शरबत की रेसिपी, और ये है ठंडाई शरबत। काफ़ी गर्मी आ रही है और गर्मी में कुछ हेल्दी रिफ्रेशिंग पीने का मन करता है, तो मैं आज आपके लिए ठंडाई शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी शरबत है और बहुत ही टेस्टी है, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे बादाम। तो यहाँ पे हमें बादाम ऐड करने हैं और यहाँ पे हम 16 से 17 बादाम ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, वो है काजू। तो काजू यहाँ पे टुकड़े लिए हुए हैं, तो टुकड़े आप मुट्ठी भर के ऐड कर दें, नहीं तो जो हमने बादाम लिए थे उसी क्वांटिटी से काजू ऐड करेंगे। 10 से 12 पिस्ता ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पॉपी सीड, यानी कि पोस्ता, पोस्ता होता है जो, और 2 चम्मच ऐड करना है। अब खरबूजे के बीज ऐड कर देंगे, ये भी 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप चाहे तो जो तरबूज के बीज आते हैं या फिर कद्दू के बीज आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के सौंफ ऐड करेंगे, 10 से 12 काली मिर्ची ऐड करेंगे और 10 इलायची ऐड करेंगे। तो यहाँ जो सारे इंग्रेडिएंट हमने लिए हुए हैं वो सारे ड्राई रोस्ट करके लिए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं मिश्री ऐड कर रही हूँ 6 बड़े चम्मच के करीब। फिर ये हमने इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा 15 से 20 दिन तक। और जब भी आपको शरबत बनाना हो तो आप इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं। किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें और जब भी आप शरबत बनाएं तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स लें वो उनको ड्राई रोस्ट करके लें, धूप में अच्छे से सुखा के लें, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये काफ़ी टाइम तक टिकेगा, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। तो अब हम शरबत बना लेते हैं। तो एक ग्लास में एक लोग के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच भर के जो हमने शरबत का पाउडर बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी में मैंने पहले से ही गुलाब जल डाल के रखा था, आप केवड़ा वाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे एकदम ठंडा दूध। आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने आइस क्यूब नहीं डाला है, एकदम ठंडा दूध डालेंगे। फिर यहाँ पे थोड़े से किशमिश और थोड़े से चिरौंजी डाल देंगे। जब हम इसको पियेंगे तो मुंह में बाइट आएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ पे ना ऐड करें इनको। आप इसको अच्छे से मिक्सी में एक बार चर्न कर लें और फिर उसके बाद सर्व करें, और नहीं तो आपको इस तरीके से इंस्टेंट बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। केसर डाल के अच्छे से चला दिया है, थोड़े से रोज़ पेटल डाल देंगे ताकि ये और भी अच्छा दिखेगा, और पीने में तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ही। और आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राखी की रसोई को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।